வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு அ சேனல் ஜாவேஸ் சென். ஸோ யாரெல்லாம் நம்ம டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணலையோ மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் நம்ம டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கு, நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலே வரும். அட் ஜாவேஸ் அஃபிஷியல்ட்டு நம்ம சேனல் லோகோ பார்த்துக்கோங்க. ஒரு ப்ளூ கலர் ஐக்கான் வச்சு லோகோ வச்சுருக்கிறேன். இதுதான் நம்ம சேனல். அண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா மேட்சஸ்க்கான டீம்ஸ் அண்ட் ஜிஎல் டீம் எல்லாமே நான் கொடுத்துட்ருக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்டு இப்போது நீங்கள் லைக் ஆல்டர்னேட் ஆப் ஏதாவது சேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்போர்டஸ் ஆப் தான் பெஸ்ட்டு. நான் ஸ்போர்டஸ் ஆப்புக்கான டவுன்லோட் லிங்க்கு ப்ளஸ் ரெஃபரல் கோட் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இந்த சேனல் லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வீடியோ ரெடி பண்ணுறோன்னா அது நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு தான். ஸோ நான் நம்மளோட வீடியோ எல்லாமே லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்ஸ் தான் எங்களுக்கு பிக் மோட்டிவேஷனு. அண்ட் என்னோடய ட்விட்டர் பேஜ், இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் ட்விட்டர் பேஜ்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் எங்களுக்கு பிக் மோட்டிவேஷன். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிடுங்க. கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் சீஸ் ஆல் யூ டு நோமே வோ பேசிக்கலி யே கி ஜோ போத் டீம்ஸ் ஹே. எனக்கு சிஎஸ்கே ஓர் எம்ஐ நே தோனோ நே கோய் பி சேஞ்சஸ் நீ கியே அப்னே ஸ்குவாட் நே. ஆப்கோ பதா ஹே கி பஹுத் சாரி டீமோ நே சேஞ்சஸ் கியே ஹே, தோ வோ சீஸ் யஹான் பர் நஹீ தேக்னே கோ மிலேகி. ஓர் அகர் ஆப்கோ எக் பதா தூன் கி ஜோ சிபிஎல் கே பிளேயர்ஸ் ஹே வோ எக்ஸ்பெக்டட் ஹே கி கேல் சக்தே ஹே மேட்ச் கோ, பிகாஸ் சிபிஎல் கே பிளேயர்ஸ் கா குவாரண்டைன் பீரியட் மாத்ர தோ தின் கா தியா கயா, பிகாஸ் வோ பயோபபல் டு பயோபபல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கர் ரஹே. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जैसे कि फाफ डू प्लेसिस है, इंजरी कंसर्न है उनको. आखिरी के जो क्रूशियल मैचेस थे एसएलके के सेंट लुसिया किंग के, वो नहीं खेले उन्होंने, इवन फाइनल मैच भी नहीं खेला. तो देखने वाली बात होगी कि ये कितना फिट है. ठीक है, तो अभी टाइम है, थोड़ा बहुत तीन चार दिन है अभी, देखो रहने वाली बात होगी कि क्या करते हैं. ठीक है, उसके अलावा डीजे ब्रावो की बात करें, ये भी मतलब सीपीएल में गेंदबाजी नहीं कर रहे थे और ये भी कंप्लीटली फिट नहीं थे, लेकिन इनकी टीम फाइनल तक गई है और खेल रही है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगी. ठीक है, उसके अलावा बात करें, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बोली, मैंने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना बिकॉज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. बेसिक आइडिया लेते हैं हम पहले, पॉइंट्स टेबल क्या है, पॉइंट्स टेबल में कौन कहाँ लाइक कर रहा है. अगर हम बात करें सीएसके की, 7 मैचेस अभी तक खेल कर 5 मैचेस जीते, 2 मैचेस हारे हैं मात्र, और 10 इनके पॉइंट्स हैं. तो इंडिया में इनका प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहता है. आपने देखा कि लास्ट ईयर यूएई में इनका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं रहा था सीएसके का, लेकिन इंडिया में अच्छा परफॉर्मेंस रहा. और वहीं एमआई की बात करें, 7 मैचेस में 4 जीते हैं, 3 अभी तक हारे, 8 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर बनी हुई है टेबल में. तो ये दोनों की पोजीशन है. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टेबल एनालिसिस से, जो कि मैन है, वेन्यू से स्टार्ट करेंगे. आप सभी को पता है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाने वाला है. वेन्यू की बात करें, अगर हम यहाँ के एवरेज स्कोर की, तो ये माना जाता है कि यहाँ पे जो एवरेज स्कोर रहता है वो 151 के अराउंड रहता है. ठीक है, T20s का भी लगभग और T20 इंटरनेशनल का भी, दोनों का जो एवरेज स्कोर है लगभग 151 से 155 के अराउंड लाइक करता है. तो आपको यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से आपको रन बनते हुए दिखेंगे. ठीक है, दूसरी बात आउटकम्स की बात करें अगर यहाँ पर हम, तो आउटकम्स अगर कैसे T20s के कितने मैचेस खेले गए और क्या उसका आउटकम निकला, तो यहाँ पे T20s की अगर हम बात करें तो 94 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 38 बैटिंग फर्स्ट करके जीते गए और 55 बैटिंग सेकंड करके. मतलब T20s के ये चीज़ दिखाती है कि यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वालों को थोड़ा सा एडवांटेज रहता है. ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें T20 इंटरनेशनल के, तो यहाँ पर आप देखोगे 50 मैचेस खेले गए, 28 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करके और 21 मैचेस बैटिंग सेकंड करके जीते गए. तो ओवरऑल अगर हम बात करें डोमेस्टिक की, जो नॉन इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, वहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको चेजिंग वाली साइड को मदद मिलती है. एक पैटर्न देखा था मैंने कहाँ पर, जो लास्ट ईयर 2020 में जब ये आईपीएल हुआ था, वो नीचे शेयर करेंगे टेबल एनालिसिस जब हम करेंगे उसका, तो वहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा कुछ. ठीक है, अब बात करते हैं कौन से बॉलर्स को यहाँ पर पिक करना चाहिए. तो यहाँ पर अधिकतर मदद तो फास्ट बॉलर्स को ही मिलती है. यहाँ पर 21 का एवरेज है T20s में, और T20 इंटरनेशनल में तो और बढ़िया है, मात्र 16 का एवरेज. एवरेज का मतलब ये होता है कि कितनी गेंद में वो बॉलर विकेट लेकर जाता है. तो अगर हम बात करें पेसर्स की, तो वो हर 21वीं गेंद पर विकेट लेके जाते हैं. ऑर्थोडॉक्स फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे 32 गेंद पर विकेट ले जाते हैं, फिर लेग ब्रेक है, फिर मीडियम पेसर्स है. तो यहाँ पर ये कुछ हायरार्की में जमे हुए हैं, और यहाँ पर थोड़े से आगे पीछे है, लेकिन इस तरह से इनका एवरेज रहता है. तो आप समझ सकते हो आपका जो बॉलर सिलेक्शन का जो क्रम होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए. ठीक है, बात करें हम हेड टू हेड की, कि जब दो टीमें आपस में खेली है, तो अब क्या हुआ है बेसिकली, टूर्नामेंट में जब आपस में खेली 23 बार आमने सामने भिड़ी है, जिसमें से 13 मैचेस जो जीते हैं वो सीएसके ने जीते हैं, और 20 मैचेस जो जीते हैं वो एमआई ने जीते हैं. ठीक है, एमआई ने डोमिनेट किया है. और अगर हम बात करें लास्ट 3 सालों को, थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करते हैं अगर हम चीज़ों को, तो यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट 3 ईयर्स में कुछ इस तरीके से चीज़ें हुई है. अभी टेबल को समझो पहले, टेबल क्या है, टेबल ये एमआई, मतलब एमआई ने क्या रन बनाए मैच में,
ठीक है, ये रन है उसके एमआई के विकेट से, सीएसके का, सीएसके के विकेट, रिजल्ट क्या रहा। एमआई मतलब यहाँ पे जो जीतने वाली टीम का नाम है, और सी और डी मतलब चेज और डिफेंड है, ठीक है। उसके अलावा जो ब्लू बॉलर्स दिख रहे हैं ये एमआई के बॉलर्स है, और येल्लो बॉलर्स जो है वो सीएसके के बॉलर्स है। तो आपको समझ आएगा कि कैसे क्या रहा था। इसको आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए आउटपुट टेबल निकाल रखी है, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक और चीज़ देखी गई कि 7 मैचेस में से 6 मैचेस मुंबई इंडियंस जीता, तो काफ़ी हद तक डोमिनेट किया है, और यूएई में इनका बोलबाला रहेगा बिकॉज इनके पास पेसर का ट्रायो है मेन, तो वो चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगी। तो टोटल यहाँ पे रन्स अगर हम बात करें, जब दो टीमें आपस में खेली है तो टोटल रन्स कितने बनाए मुंबई इंडियंस ने, तो 1103 और यहाँ पर 1019 बनाए चेन्नई सुपर किंग ने। तो यहाँ पर भी मुंबई का पल्ला भारी है। एवरेज रन अगर हम बात करें मुंबई की, तो 158 जाता है, और वहीं चेन्नई का 145 भी जाता है। अगर हम बात करें मुंबई के टोटल विकेट्स कितने गिरे, तो मात्र 35 विकेट्स गिरे, वहीं दूसरी ओर सीएसके के ज़्यादा विकेट गिरे हैं 47। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टेबल का यूज़ क्या है, मैं टेबल के रिकॉर्ड्स दिखा रहा हूँ आपका यूज़ क्या। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ें क्लियर हुई, पहली चीज़ क्या क्लियर हुई कि यहाँ पर मुंबई के विकेट्स कम गिरेंगे, इससे एक चीज़ समझ आए कि चेन्नई के बॉलर्स कम लेना है, ठीक है। यहाँ पर फिर वही बात कि चेन्नई के विकेट ज़्यादा गिरेंगे, तो यहाँ पर मुंबई के बॉलर्स ज़्यादा लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा वो डिप में एनालाइज करेंगे। एवरेज अगर देखते हो यहाँ पर, तो एवरेज ये निकलता है कि 5 विकेट पर मैच में गिरते हैं मुंबई के, और चेन्नई के 7 विकेट पर मैच गिरते हैं। तो समझ और चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद पेसर्स की बात करें, तो अब 5 विकेट मुंबई के गिर रहे हैं, 7 विकेट चेन्नई के गिर रहे हैं, पता चल गया। लेकिन कौन से बॉलर लेकर जाएंगे, तो पेसर यहाँ पर 32 विकेट लेके जा चुके हैं इसके, मुंबई इंडियंस के, और 20 विकेट लेके जा चुके हैं, मतलब पेसर्स ने 20 विकेट लिए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। तो यहाँ पर अगर उनका एवरेज देखोगे, तो यहाँ पर 4.5 एवरेज आता है किसका, पेसर्स का, और 2.8 एवरेज आता है चेन्नई के पेसर्स का। तो ये चीज़ आपको समझना है कि पेसर्स का काउंट भी किस तरह से आपको रखना है। उसके बाद स्पिनर्स की बात करें, दोनों का बराबर ही रहा है, 13 विकेट और 15 विकेट रहा है, और एवरेज अगर आप देखोगे तो चेन्नई का थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू द मुंबई स्पिनर्स के मामले में, ठीक है। अब P1S1 की बात करें, मतलब देखो कि P1S1 का मतलब ये होता है कि पेसर का जो एवरेज है पहली इनिंग में, और स्पिनर का एवरेज है पहली इनिंग में, और वहीं सेम S2 का मतलब कि स्पिनर का एवरेज सेकेंड इनिंग में, और P2 का मतलब पेसर का एवरेज सेकेंड इनिंग, मतलब एवरेज मतलब ये कि कितने विकेट पर मैच लेके जाते हैं। तो यहाँ पर P1S1 का एवरेज 4.2 आ रहा, मतलब कि 4 विकेट पेसर, 2 विकेट स्पिनर लेकर जाएंगे। ये कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को हमको मिल रही है, ठीक है। अब बात करें, जब दो टीम आपस में खेली है तो टॉप परफॉर्मर्स को निकल कर आए, तो सबसे ज़्यादा जो रन बनाए इन दोनों टीम्स में जब भी खेली है, तो सुरेश रैना ने बनाए 31 मैचेस में 732 रन है, और 29 का एवरेज है, और यहाँ पर हाईएस्ट देखोगे तो 83 का इनका हाईएस्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ कि लास्ट सीजन 2020 में सुरेश रैना पार्ट नहीं थे स्क्वाड का, लेकिन अब चीज़ें बदलेगी, सुरेश रैना पार्ट है, और एक बहुत बढ़िया मतलब कि टीम परफॉर्मेंस देती है जब भी मतलब सुरेश रैना खेलते हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद रोहित शर्मा का नाम है, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है जब भी दो टीमें खेली है, 24 मैचेस में 693 रन है। फिर यहाँ पर MS धोनी का नाम है, 32 मैचेस में 663 रन। फिर कैरन पोलार्ड का नाम है, 27 मैचेस में 607 रन है, और 37 का एवरेज 87 हाईएस्ट है। फिर फाफ डुप्लेसी से 15 मैचेस में 365 रन है। उसके बाद यहाँ पर डीजे ब्रावो, फिर सूर्य कुमार यादव स्काई, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख कर चलना है। उनका एवरेज देख रहे हो, सूर्य कुमार यादव का 42 का एवरेज है, और सबसे ज़्यादा इनका हेड टू हेड में, तो मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव एक मैंडेटरी पिक होंगे आपकी टीम के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बॉलिंग से, तो यहाँ पे डीजे ब्रावो का नाम सबसे ऊपर है हाईएस्ट विकेट टेकर में, 18 मैचेस में 27 विकेट लेके जा चुके हैं, तो बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। और डीजे ब्रावो के खिलाफ एमआई स्ट्रगल करता है, अगर डीजे ब्रावो फुली रिकवर हो गए, बॉलिंग करने के लिए रेडी हो गए, तो फिर डीजे ब्रावो एक क्रूशियल पिक हो जाएंगे आपकी टीम के लिए। फिर रविंद्र जडेजा का नाम है, 23 मैचेस में 18 विकेट। फिर किरण पोलार्ड 27 मैचेस में 15 विकेट है। फिर दीपक चहर 9 मैचेस में 9 विकेट है। जसप्रीत बुमराह के 11 मैचेस में 9 विकेट। अच्छा, जसप्रीत बुमराह जो है वो सीएसके के खिलाफ इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहता है उनका, ठीक है, याद रखना एक चीज़ आपको। उसके बाद हार्दिक पांड्या का नाम है, 12 मैचेस में 8 विकेट है। उसके बाद कृणाल पांड्या उनके भाई, और उसके बाद इमरान ताही 7 मैचेस में 7 विकेट। तो ये परफॉर्मेंस रहा है, ये परफॉर्मेंस रहे बेसिकली जब भी दो टीमें आपस में खेली है, ठीक है। क्योंकि हमको ना अब 2020 में क्या हुआ था उसको पोर्ट्रे करना, उससे कुछ सीख लेना है, उसको समझना है कि किस तरह से मैच बिहेव करेगा। तो यहाँ पर मैंने जितने भी मैचेस 60 मैचेस खेले गए थे उसका डेटा निकाल कर रखा है, और देख सकते हो आप पूरी टेबल बनाई है मैंने, कहीं से छापा नहीं है, मतलब कि कह सकते हो कि पूरी टेबल 60 के 60 मैचेस में क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर टेबल समझोगे आप, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में क्या हुआ, फर्स्ट इनिंग के विकेट है। फिर सेकंड इनिंग में क्या हुआ, फिर सेकंड इनिंग के विकेट है। फिर रिजल्ट है, P1 मतलब पेसर ने पहली इनिंग में कितने विकेट लिए, S1 मतलब स्पिनर ने पहली इनिंग में कितने विकेट लिए, वैसे ही। तो यहाँ पर सभी का मैं डेटा निकाला,
पहले 60 मैचेस टोटल खेले गए थे, इसमें 29 मैचेस चेस करके जीतेगा और 27 मैचेस डिफेंड करके जीतेगा। अब पैटर्न कुछ था कि स्टार्टिंग के मैचेस में डिफेंड हो रहे थे मैचेस, देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता गया यहाँ पर आप देखोगे आखिरी के मैचेस यहाँ पर कितने सारे डिफेंड मतलब चेस करके जीते गए हैं। तो ये एक पैटर्न रहता है स्टार्टिंग के मैचेस में, आपको डिफेंडिंग थोड़ी आसान देखने को मिलेगी। हमने बना रखी है उसकी आउटपुट टेबल, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में। पहली चीज़ ये कि यहाँ पर टोटल रन बने थे 10,170 और सेकेंड इनिंग में रन बने थे 9,182। क्या चीज़ समझ आई इससे? इससे चीज़ समझ आई कि पहली इनिंग में रन ज़्यादा बने थे। दूसरी चीज़ एवरेज के देखते हो यहाँ पर, तो एवरेज से भी क्लियर पता चल रहा है कि 170 के अराउंड यहाँ पर एवरेज था फर्स्ट इनिंग का और सेकेंड इनिंग का एवरेज था मात्र 153 का। ठीक है, विकेट के काउंट की बात करते हो 333 विकेट, मतलब यहाँ पर दोनों में बराबर ही है, दो विकेट ज़्यादा सेकंड इनिंग में, लेकिन दोनों ही इनिंग्स में बराबर बराबर विकेट गिरे थे। ठीक है, विकेट नंबर वन लीग है और दोनों मतलब जो भी टीम्स खेलती हैं 8-8 तो बेस्ट टीम खेलती है, तो टक्कर वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। उसके बाद अगर आप एवरेज देखते हो, मतलब कि विकेट्स का एवरेज देखते हो, तो 5.5 विकेट्स मतलब मिनिमम हर एक मैच में गिरे थे, ये वहाँ पर एवरेज देखा गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पेसर्स ने कितने विकेट लिए थे, 220 पेसर्स के थे पहली इनिंग में और 206 थे दूसरी इनिंग में। ठीक है, यहाँ पर अगर उनका एवरेज देखोगे तो 3.6 यहाँ पर 3.6 और 3.4 उनका एवरेज निकल कर आया। तो यहाँ पर फिर से अगेन वही बात, पेसर्स ने डोमिनेट किया तो पेसर्स को आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हो स्पिनर्स का एवरेज तो 1.4 और 1.8 है, मतलब सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को थोड़ी ज़्यादा मदद मिली थी। ठीक है, अब ये था पूरी टेबल, मतलब पूरी जितने भी 60 मैचेस खेले गए उसका एनालिसिस था, लेकिन अभी हमको मेन फोकस करना है कहाँ पर, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर। तो मैंने क्या करा है, शॉर्ट करे हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के मैचेस को और उसका आउटपुट यहाँ पर निकाल कर आपको दिया है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पहली इनिंग में रन कितने बने थे, 4,460। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड इनिंग में 3,878। तो ये देखो 600-700 रन का डिफरेंस है। तो फिर से आप वही चीज़ कि फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा रन बने यहाँ पर, और एवरेज भी आप देखोगे 171 का है और यहाँ पे 150 का ही है, 49 का ही है। उसके अलावा विकेट्स का काउंट देखोगे तो 139 है फर्स्ट इनिंग में, लेकिन यहाँ पर सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरे हैं ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ हमको निकल कर आए यहाँ पर। उसके बाद अगर आप एवरेज देखते हो तो 5.3 निकल कर आता है और 6.4 निकल कर आता है सेकेंड इनिंग का एवरेज। तो ये मतलब कि सेकेंड इनिंग में पेसर्स ने इतने विकेट लिए, तो सेकेंड इनिंग में विकेट ज़्यादा गिरे थे 6.4 के हिसाब से और फर्स्ट इनिंग में 5.3 के हिसाब से। उसके बाद आप देखोगे एवरेज अगर आप देखते हो पेसर्स का, तो पेसर्स का देख लिया, स्पिनर्स का देखते हो तो 1.4 और 2.1, तो वही सेम चीज़ कि सेकेंड इनिंग में पेसर स्पिनर्स को मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सेकेंड इनिंग में दोनों ही डिपार्टमेंट को मदद मिल रही है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इन्फॉर्म प्लेयर्स की। इन्फॉर्म प्लेयर्स जानना क्यों जरूरी है गाइस, क्योंकि अभी ये सारे मैचेस इधर उधर से आ रहे हैं। ठीक है, इधर उधर के मैचेस, इधर उधर के सीरीज खेलकर आ रहे हैं, तो उन सभी ने किस तरह से क्या प्रदर्शन किया, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी है। मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स की बात करें, क्विंटन डिकॉक अभी द 100 भी खेले थे, उसमें भी बढ़िया प्रदर्शन किया था और मेरे साथ साउथम ड्रेव के लिए खेल रहे थे और टीम जीती भी थी। और उसके अलावा यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव हाफ सेंचुरीज लगाई श्रीलंका के विरुद्ध में और एक बढ़िया टच में दिख रहे हैं। उसके बाद रोहित शर्मा है, मतलब हाईएस्ट रन स्कोर, सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोर थे टेस्ट सीरीज जो हुई अभी इंग्लैंड में उसके। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, आपने देखा था कि किस तरह के फॉर्म में थे, जो विकेट था जॉनी बेस्टो का वो तो मतलब अब भूल नहीं सकते यार, वो क्या यॉर्कर डाली थी। उसके बाद एडम मिलने के बारे में नहीं पता आपको, तो एडम मिलने भी मतलब कि न्यूजीलैंड के बहुत ही बढ़िया पेसर है, हाल ही में अभी द 100 मैच में खेला था उन्होंने, 28 विकेट टेकर के काउंट में भी थे, प्लस बहुत बढ़िया पेस गेंदबाजी कर रहे थे। तो ये चीज़ आपको याद में रख ध्यान में रख के चला। जिमी निशान भी 100 मैच खेले थे लेकिन वहाँ पर भी कुछ जगह पर अच्छा रन प्रदर्शन किया था। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर और हैं जो कि देखो 3-6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है एमआई से वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, जिसमें से 3 एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और 3 थोड़े से नए खिलाड़ी है, जिसमें सूर्य कुमार यादव, ईशांत किशन और राहुल चहर। इन तीनों पर नजरें रहेगी सिलेक्टर्स की भी, बिकॉज इनको चांस दिया गया है, जैसे खासतौर पे राहुल चहर को चांस दिया गया है युजवेंद्र चहल की जगह पर, मैं मानता हूँ, बिकॉज वो ज़्यादा जगह डिजर्व करते थे। तो यहाँ पर इन पर नज़र रहेगी कि किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, अगर इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो शायद इनको हटा भी सकती टीम, देखने वाली बात होगी क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखकर चलना। उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो दीपक चहर, आपको याद होगा श्रीलंका के अगेंस्ट मैंने 68 रन की एक बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी, तो बैटिंग से भी बहुत अच्छे फॉर्म में है और बॉलिंग से तो आईपीएल में और मतलब कह सकते हो कि यूएई में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा शार्दुल ठाकुर, द लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, आपको पता है टेस्ट सीरीज में क्या गजब का प्रदर्शन किया, बैटिंग से भी प्रदर्शन किया, कॉन्जिक्यूटिव सेंचुरीज लगाई, सॉरी हाफ सेंचुरीज लगाई, और जो इंपॉर्टेंट विकेट्स है, जो रूट के विकेट्स है, वो सब वहाँ पर उन्होंने छटका के दिए थे। ठीक है, फाफ डू प्लेसिस भी रिसेंटली अभी सीपीएल खेल रहे हैं, उसमें बढ़िया प्रदर्शन रहा उनका, सीपीएल के हाईएस्ट स्कोरर्स में भी है वो, लेकिन इंजरी का कंसर्न है, देखने वाली बात होगी कि मतलब कि ये परफेक्ट होते के लिए। उसके अलावा इमरान ताहिर,
सीपीएल में भी ठीक ठीक अच्छा प्रदर्शन रहा उनका, लेकिन 100 में भी बढ़िया प्रदर्शन रहा था। तो ये भी रिसेंटली बहुत सारे मैचेस खेलकर आएंगे, तो वो भी एक बात देखने वाली रहेगी। उसके बाद मोइन अली ने टेस्ट मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया, प्लस 100 में भी मतलब कि बर्मिंघम फिनिक्स के लिए खेलते थे, कैप्टेंसी भी करते थे, एक तरफा लीड कर रहे थे उसको। उसके अलावा डीजे ब्रावो, इन्होंने अपनी टीम को फाइनल में लीड किया, अभी फाइनल खेल रही इनकी टीम, तो ये भी एक चीज़ रहेगी जिनको ध्यान में रखना चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नया सेक्शन है वो ये है कि CSK और MI के टॉप बैटर्स का। अब देखो बॉलर्स के बारे में हमको काफ़ी जानकारी हो गई कि कौन से बॉलर्स कब कहाँ कैसे क्यों पिक करना है, लेकिन अब बात करते हैं बैट्समैन की कि जो टॉप 5 बैट्समैन रहेंगे दोनों टीम के वो किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, मतलब 5 सेक्शन में इनको तुलना के लिए कंपैरिजन किया है। सबसे पहला सेक्शन है कि पहली बैटिंग करता जब प्लेयर के साथ प्रदर्शन करते, तो पहली बैटिंग करते वक्त ऋतुराज गायकवाड़ का एवरेज इतना कोई अच्छा रहता नहीं, मात्र 20 का एवरेज हो जाता है। वहीं सेकेंड इनिंग जब करते तो 48 का एवरेज इनका हो जाता है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ दर्शाती है कि सेकेंड इनिंग में जब भी ये बैटिंग करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करके दे सकते हैं। उसके अलावा CSK के अलियर ने 13 मैचेस में 400 रन बना रखे 36 के एवरेज से। उसके बाद अगेंस्ट MI इन्होंने 2 मैचेस खेले हैं जिसमें मात्र 4 रन बनाए हैं, इसलिए इनको रेड कर रखा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखकर चलना, ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, खासतौर पर ऋतुराज गायकवाड़। उसके बाद फाफ डू प्लेसिस की बात करें, बैटिंग फर्स्ट करके इनका 32 का रहता है और बैटिंग सेकंड करके इनका 30 का रहता है। उसके बाद CSK के लिए इनका जो एवरेज है 34 का रहा है। उसके बाद MI के लिए अगेंस्ट में MI में 27 का रहा है और इस ग्राउंड पे इनका जो एवरेज है वो 44 का रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ के एवरेज की, तो 71 का एवरेज उनका भी रहा है इस ग्राउंड पे और 44 का एवरेज रहा है किसका, फाफ डू प्लेसिस का। तो याद रखना ये दोनों प्लेयर्स की चीज़ें जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। मोइन अली की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे बैटिंग फर्स्ट करके 26 का, बैटिंग सेकंड करके 24 का, CSK के लिए 34 के एवरेज से रन बनाए 6 मैचेस खेले मात्र, और अगेंस्ट MI इनका प्रदर्शन बढ़िया रहता है, 3 मैचेस में 121 रन 40 के एवरेज से रन बनाए हैं। RCB के लिए भी खेलते थे जब अच्छा प्रदर्शन करते थे मुंबई के खिलाफ, और अभी भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करके दे सकते हैं। दुबई में लेकिन इनका कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं, 3 मैचेस में मात्र 12 रन इनके बना रखे। सुरेश रैना की बात करें तो इनका बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड और लगभग CSK के लिए लगभग इनका सेम एवरेज रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में तो 29 का इनका एवरेज रहता है। आपको दिखाया मैंने हाईएस्ट रन स्कोरर की गिनती में भी आते हैं खासतौर पर जब दो टीम आपस में खेलती है, तो वो याद रखना एक बहुत क्रूशियल पिक हो जाएंगे। उसके बाद ये 2 मैचेस हैं 5 रन, ये बहुत पुराने मैचेस हैं, मतलब जब लास्ट बार जब IPL हुआ था यहाँ पर तब के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अंबती रायडू की बात करें, 130 मैचेस में 27 का एवरेज है बैटिंग फर्स्ट करके, और सेकेंड इनिंग में जब भी सेकेंड बैटिंग करते हैं तो यहाँ पर 28 का एवरेज उनका हो जाता है। और CSK के लिए 35 के एवरेज से रन बनाए हैं, और अगेंस्ट MI जो कि इनकी एक्स टीम है मतलब पुरानी टीम है वो, उसके खिलाफ 37 के एवरेज से रन बनाए हैं, और दुबई में इनका एवरेज 30 का रहता है। अब बात करें मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स की, यहाँ पे क्विंटन डिकॉक का नाम सबसे ऊपर दिखेगा आपको, यहाँ पर उनका एवरेज बैटिंग फर्स्ट करके 32 का रहता है। उसके बाद अगर आप देखोगे बैटिंग सेकंड करके थोड़ा सा बढ़ जाता है 38 का हो जाता है। उसके अलावा MI के लिए इन्होंने 35 के एवरेज से रन बनाए हैं, और अगेंस्ट CSK थोड़ा सा कम हो जाता है इनका 24 का मात्र, और यहाँ पे दुबई में इनका एवरेज जो है 40 का हो जाता है। तो ये उनका रिकॉर्ड रहा है इन 5 पैरामीटर्स में। बात करें अगर हम रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा का बैटिंग फर्स्ट करके जो एवरेज है वो 34 का है और बैटिंग सेकंड करके 30 का है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करके रोहित शर्मा थोड़ा सा बेटर खेलते हैं। उसके बाद MI के लिए ना 32 के एवरेज से रन बनाए 4000 से भी ज़्यादा रन बना के रख रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगेंस्ट CSK 29 का एवरेज रहता है, इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं है लेकिन सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर है जब दोनों टीम आपस खेलती है। तो उसके अलावा दुबई में इनका प्रदर्शन इतना कोई खास रहा नहीं, 7 मैचेस में मात्र 138 रन बनाए हैं 19 के एवरेज से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव की बात करें तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करके उनका एवरेज 28 का रहता है और बैटिंग सेकंड करके इनका एवरेज सीधे 35 का हो जाता है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि ये भी चेस करते वक्त थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो प्लेयर्स चेस करते वक्त कंफर्टेबल है तो उनको आप टीम में जरूर रख के चलो। उसके अलावा अगेंस्ट CSK 27 का एवरेज है और दुबई में इनका मात्र 22 का एवरेज है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे बैटिंग फर्स्ट करके उनका 29 का एवरेज है और बैटिंग सेकंड करके उनका 25 का एवरेज है, ठीक है। MI के लिए 27 का और अगेंस्ट CSK 33 का एवरेज है। CSK के अगेंस्ट इन्होंने बढ़िया खेला है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलना। 12 मैचेस में 64 रन है 33 के एवरेज साथ में, और दुबई में मात्र 4 मैचेस में 63 रन 21 का एवरेज है। किरण पुलाड की बात करें तो 281 मैचेस में 32 का एवरेज है, यहाँ पे 31 का एवरेज है, यहाँ पे बहुत सारे रन बना रखे इन्होंने अपनी करियर में। उसके अलावा अगेंस्ट CSK इनका एवरेज देख रहे हो 38 का हो गया है और दुबई में भी इनका एवरेज 35 का है। तो ये दोनों चीज़, ये चारों पाँचों चीज़ याद रख के चलना। किरण पुलाड एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है आपकी टीम के लिए।
अब बात होगी यहाँ पर 2020 के प्रदर्शन की, अब बात करें 2021 के फर्स्ट हाफ के प्रदर्शन की, कि 2021 में क्या हुआ था फर्स्ट हाफ में। तो यहाँ देखोगे चेन्नई के लिए फाफ डुप्लेसी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रहे थे, 7 मैचेस में 320 रन, 95 का हाईएस्ट और 64 का एवरेज लेके चल रहे थे। इनकी अवेलेबिलिटी पे थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, खेलते ही नहीं खेलते। और अगर हम बात करें फिर मोइन अली की, सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोर रहे थे, ये भी बढ़िया फॉर्म में थे और 7-6 मैचेस में 206 रन बना दिए थे, 58 हाईएस्ट था उनका। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ 7 मैचेस में 196 रन, 75 का हाईएस्ट, 28 का एवरेज। अंबती रायडू भी अच्छे फॉर्म में थे, तो सभी लगभग कह सकते हो कि बढ़िया फॉर्म में थे। और एक और चीज़ थी, रविंद्र जडेजा भाई साहब ये आउट ही नहीं हुए थे अभी तक, टूर्नामेंट में आउट ही नहीं हुए ये, है ना। इनका 131 का एवरेज भी चल रहा है और 62 का इनका हाईएस्ट है, मतलब जितने मैचेस खेले सब में ये नॉट आउट ही गए हैं, अभी तक ये आउट नहीं हुए। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें सुरेश रैना की, 7 मैचेस में 123 रन है, 54 का हाईएस्ट था इनका और 24 का एवरेज था। उसके बाद सैम करन 7 मैचेस 52 रन, 34 का हाईएस्ट और 36 का एवरेज था। तो ये प्रदर्शन रहा था सीएसके के बैट्समैन की तरफ से। सीएसके के बॉलर्स की तरफ से हम बात करें तो सैम करन यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर रहे थे 9 विकेट के साथ में। उसके बाद दीपक चाहर 8 विकेट, फिर 6 विकेट रविंद्र जडेजा के, फिर यहाँ पर मोइन अली के भी 5 विकेट थे, उसके बाद शार्दुल ठाकुर के 5 विकेट थे, 5 विकेट थे लुंगी नगीडी के और 3 विकेट थे यहाँ पर डीजे ब्रावो के और 2 विकेट थे यहाँ पर इमरान ताहिर के। तो ये प्रदर्शन रहा था सीएसके के प्लेयर्स का। वही अगर हम बात करें मुंबई के प्लेयर्स का, तो रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे 7 मैचेस में 250 रन, 63 का हाईएस्ट था और 35 का इनका एवरेज था। उसके बाद सूर्य कुमार यादव का नाम था, 7 मैचेस में 173 रन, 56 का हाईएस्ट और 24 का एवरेज था। फिर किरण पुलाट 7 मैचेस 168 रन, 87 का हाईएस्ट और उसके बाद यहाँ पे 56 का इनका एवरेज था। जो 87 था ये रिसेंटली आया था, जो लास्ट हेड टू हेड हुआ था उन्हीं के एक तरफा ही मैच कर दिया था, 218 रन का टारगेट चेस डाउन कर डाला था किरण पुलाट ने। उसके बाद क्विंटन डिकॉक 6 मैचेस में 155 रन थे, उसके बाद कृणाल पांड्या के 7 मैचेस में 100 रन थे, 39 हाईएस्ट था, 16 का एवरेज था। फिर ईशान किशन 5 मैचेस में 73 रन। इस तरह से यहाँ पर मुंबई इंडियंस के बैट्समैन का प्रदर्शन रहा था। उसके बाद बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर राहुल चहर का नाम सबसे ऊपर था, 7 मैचेस में 11 विकेट वो लेकर रखे। उसके बाद ट्रेंट बुल 7 मैचेस में 8 विकेट है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह 7 मैचेस में 6 विकेट है। देखो उनका प्रदर्शन तो कोई खास रहा नहीं था अभी। उसके अलावा कृणाल पांड्या की बात करें 7 मैचेस में 3 विकेट थे मात्र, और किरण पुलाट के भी 7 मैचेस में 3 विकेट थे। उसके अलावा मार्को जेनसन के 2 मैचेस में 2 विकेट और जयंत यादव के 3 मैचेस में 1 विकेट थे। तो ये प्रदर्शन रहा था एमआई के बॉलर्स का। बात करें पॉसिबली प्लेइंग 11 की, तो ये कुछ हो सकती है पॉसिबली प्लेइंग 11। यहाँ पर मुझे लगता है कि फाफ डुप्लेसी पहला मैच शायद मिस कर जाए, पहला मैच शायद नहीं खेल पाए, इसीलिए इनको टीम में नहीं पिक करा है मैंने। यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ है, फिर यहाँ पे अंबती रायडू है और उनकी अंबती रायडू या फिर उत्थप्पा के साथ ओपनिंग करा सकती है टीम। अगर उत्थप्पा के साथ ओपनिंग कराती है तो फिर अंबती रायडू थोड़ा नीचे बैटिंग करने आ जाएंगे। उसके बाद मोइन अली है, सुरेश रैना है, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, डीजे ब्रावो, सैम करन और मिचेल सैंटनर में से कोई एक जो भी अवेलेबल होगा। सैम करन अगर पहुंच जाएंगे तो शायद वो खेल लेंगे, अदरवाइज किसी और प्लेयर को उनको पिक करना पड़ेगा। उसके बाद शार्दुल ठाकुर रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर दीपक चाहर रहेंगे, फिर जॉस हेजलवुड रहेंगे। तो ये पॉसिबली प्लेइंग 11 होगी चेन्नई सुपर किंग्स की। वहीं अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, यहाँ क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ, फिर आएंगे सूर्य कुमार यादव, फिर कृणाल पांड्या, फिर किरण पुलाट, फिर हार्दिक पांड्या, फिर जिमी निशा और एडम मिलने में से कोई एक खेलेगा। एडम मिलने को खिलाना चाहिए बिकॉज बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और मेरे हिसाब से एक बढ़िया पिकर रहेंगे। उसके बाद जयंत यादव और धौल कुलकर्णी में से कोई एक खेल सकता है इस मैच में, धौल कुलकर्णी के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। उसके बाद राहुल चहर, दीपक, जसप्रीत बुमराह और यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट रहेंगे। ठीक है, ये पॉसिबली प्लेइंग 11 होगी मुंबई इंडियंस की। सो गाइज अभी फिलहाल ड्रीमलैंड में ये मैच ऐड नहीं हुआ है, मैं देखो अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तब, तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर माय टीम 11 में आपके लिए टीम बना रखी है यहाँ पर, क्योंकि ऐड हो चुका है इसलिए। यहाँ पर आप देखोगे टीम कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से मैंने क्विंटन डिकॉक को पिक कर रखा है, नो डाउट एक बहुत बढ़िया पिक रहेंगे। एमएस धोनी भी है लेकिन ये नीचे बैटिंग करने आते हैं। ईशान किशन को आप ट्राई कर सकते हो, ये शायद टू डाउन बैटिंग कर रहे हैं, एक बढ़िया पिक ये भी हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्विंटन डिकॉक के साथ गया हूँ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर ईशान किशन को भी पिक कर सकते हो। उसके अलावा बात करें बैटिंग डिपार्टमेंट से, तो फाफ डुप्लेसी को भी नहीं पिक कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो नहीं खेलेंगे पहला मैच। उसके बाद यहाँ पे रोहित शर्मा को लिया है, सुरेश रैना को लिया है, सूर्य कुमार यादव और अंबती रायडू को लिया है। तो ये चार में बैट्समैन जो इंपॉर्टेंट बैट्समैन है दोनों टीम के, उनको लेकर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ है, आपने देखा कि ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं ट्रेंट बोल्ट के विरुद्ध में। और उसके अलावा हार्दिक पांड्या है जिनका फॉर्म इतना कोई अच्छा चल नहीं रहा है कुछ टाइम से, इसलिए उनको पिक नहीं कराए। ठीक है, बाकी कोई प्लेयर के चांसेस कम है, यहाँ पर विरुद्धप्पा खेलेंगे तो ट्राई जरूर कर लेंगे इनको एक आध टीम में, लेकिन फिलहाल अभी नहीं पिक कर रहे हैं। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन से,
तो यहाँ पे सैम करन को भी पिक नहीं किया मैंने, या अभी उनकी कोई आने की कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई अभी तक, तो जो भी आएगी जैसी भी आएगी टॉस के बाद फिर हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। यहाँ पे रविंद्र जडेजा और मोइन अली को मैंने पिक करके रखा है। डीजे ब्रावो यहाँ पर आप पिक कर सकते हो, किरण ब्राट पिक कर सकते हो, कृणाल पांड्या पिक कर सकते हो, तीनों ही एक बढ़िया पिक रहेंगे आपकी टीम के लिए। उसके अलावा बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट से, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाह, चारों ही पेस बॉलर में लेकर गया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पेसर्स को यहाँ पर मदद मिलती है और उसी का फायदा दोनों टीम उठा सकती है। उसके अलावा बात करें अल्टरनेट चॉइसेस में, इमरान ताहिर जरूर है, अगर वो खेलते हैं तो इनको जरूर ट्राई कर लेना। उसके बाद जॉस हेजलवुड को ट्राई कर सकते हो, ये भी एक हिटेड एक बॉलर है जो आपको डेफिनेटली मदद करेगा। उसके अलावा राहुल चहर को जरूर ट्राई कर लेना, ये भी हाईएस्ट स्कोरर रहे, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, तो आप चाहो तो यहाँ पर धवल कुलकर्णी की जगह पर क्या कर सकते हो, सॉरी धवल कुलकर्णी तो लिया नहीं, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर राहुल चहर को पिक कर सकते हो, ये भी एक बढ़िया पिक रहेंगे। प्रीव्यू अगर आप देखते हो इसका, तो प्रीव्यू आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस में मैं सुरेश रैना को दूंगा कैप्टनसी की चॉइसेस, क्योंकि आपको पता है कि हाईएस्ट रन स्कोर रहे इस टीम के विरुद्ध, और मुझे लगता है स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में बैट्समैन को भी मदद मिलेगी, तो सुरेश रैना एक क्रूशियल पिक हो सकते हैं आपकी टीम के लिए। उसके अलावा यहाँ पर क्विंटन डिकॉक को मैंने वाइस कैप्टन रखा है। ठीक है, अल्टरनेट चॉइसेस में रोहित शर्मा आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है, सूर्य कुमार यादव अवेलेबल है, अंबती रायडू अवेलेबल है, और यहाँ पर आप चाहो तो मोइन अली को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी एक सेफ चॉइस रहेगी। तो आप चाहो तो यहाँ पे कैप्टन मोइन अली को रख दो और वाइस कैप्टन यहाँ पे क्विंटन डिकॉक को भी रख सकते हो, एक सेफ टीम आपकी यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।